पिता का प्रणाम है, नमस्कार है, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? टाइटल ही देख रहे हैं कि बहुत ही प्यारा टाइटल है और इसका जो भी श्रेय है मेरे डायरेक्टर और जो प्रोड्यूसर हैं उनको जाता है। और विस्तार की बात किया जाए तो मुझसे अच्छा जो डायरेक्टर होते हैं, जो हमें डायरेक्ट करते हैं, हमें बताते हैं कि एग्जैक्टली कैरेक्टर क्या है, उसके बारे में हमारे डायरेक्टर ही बताएंगे। तो आप बताइए कि आपका क्या है, लाइक स्टोरी के बारे में बताइए। तो निधि जी बड़ा अच्छा इसमें रोल प्ले कर रही हैं, जो कि रितेश के अपोजिट हैं, और रितु जी हैं, रितु जी भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रही हैं, के साथ में इनके इनका पेयर है, और बड़ा ही खूबसूरत ढंग से इनके कैरेक्टर को पिरोया गया है। हमारे राइटर साहब हैं धर्मेंद्र जी ने, बड़ी अच्छी स्टोरी लिखी है, और निधि जी को स्टोरी हमने सुनाई थी तो काफ़ी इनको पसंद आई थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि दर्शकों को भी काफ़ी अच्छी पसंद आए। देखिए, मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं जब भी कुछ फिल्म करूं, जो भी फिल्म करूं, एक अलग कैरेक्टर हो, चैलेंजिंग हो। तो लोगों ने लुलिया के नाम से बहुत ज़्यादा प्यार दिया, लोगों ने मुझे गैंगस्टर से बहुत ज़्यादा प्यार दिया, तो अब कोशिश है कि ये अलग राधा बनकर आप सबको एक अलग निधि मिले, और कोशिश रहेगी कि अब उसके बाद से आप मुझे प्यार से राधा भी बुलाएंगे। सो लेट्स सी। जी रितेश जी बहुत ही कोऑपरेटिव, बहुत ही शांत स्वभाव के इंसान हैं। उनके साथ मैंने एक फिल्म किया है यारा तेरी यारी, जिसमें हम दोनों का पैर है, और बहुत ही शांत इंसान है, बहुत ही स्वीट है, एंड कोई ईगो वगैरह नहीं, तो अच्छा लगता है उनके साथ भी काम करके। लेट्स सी, अब कुछ नया मेरे कृष्ण बनने वाले हैं, तो लेट्स सी कुछ नया ज़रूर होगा। बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाई गई धनंजय जी के द्वारा। धनंजय भी है नाम है ना, धनंजय सिंह जी जो, धर्मेंद्र भैया, सॉरी धर्मेंद्र सिंह जी। एक बहुत ही अच्छा फैमिली ड्रामा है। दो दोस्त हैं राधे और कृष्णा, उनके ऊपर उनकी बहन के साथ कुछ अन्याय होता है, उसके ऊपर बेस पूरा एकदम बहुत ही अच्छा टिपिकल फैमिली ड्रामा है। उसके हिसाब से ये नाम रखा गया है राधे कृष्णा, जिसमें दोस्ती भी दिखाई गई है, और जो अगर फैमिली में बहन के साथ कुछ गलत होता है तो दो भाई दो दोस्त मिलके किस तरीके से उसके खिलाफ लड़ते हैं, वो दिखाया गया इस फिल्म। वैसे निधि के बारे में आप क्या कहते हैं? पहले भी निधि की आपकी बड़ी तारीफ। निधि जी तो आउटस्टैंडिंग है, फैबुलस हैं, और क्या बताएं, इनकी जितनी तारीफ कम की जाए कम है। अभी 27 फरवरी से 1 मार्च के बीच में हम लोग का फिल्म राजा राजकुमार लग रहा है। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग इस भाई को इतना प्यार दुलार दीजिए जैसे आज तक देते हुए आए हैं, और जाइए सिनेमा हॉल तक। एक बहुत ही अच्छी फिल्म है राजा राजकुमार, एक्शन रोमांटिक, बहुत ही जल्दी ट्रेलर आने वाला है, तो अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को बहुत पसंद आएगा, तो प्लीज़ आप लोग जाइए सिनेमा हॉल तक, जाइएगा ज़रूर। उसके बाद सैया थानेदार, यारा तेरी यारी, रामकृष्ण बजरंगी, विजय विश्व, तिरंगा प्यारा फिल्में है लाइन से। बट अभी 27 फरवरी से 1 मार्च के बीच में राजा राजकुमार हम लोग लेके आ रहे हैं आप लोग के बीच में। आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, भाई दोस्त, भाई भौजाई, चाची, सबका संग जा लोग, कहें से कि ऐसा फिल्म बाकी सबका संग बैठ के देख सके लोग। हमारा विश्वास बा कि अगर फिल्म देख के बाहरी निकलवा लोग तो यह कहवा लोग कि पैसा वसूल हो गए। सबसे पहले तो जितना भी भोजपुरिया श्रोतागण देख रहा बा, हम राहुल मिश्रा सबके पेश होकर प्रणाम करा तानी। और राधे कृष्णा के बारे में ये है कि भोजपुरी फिल्म है ये, और बहुत ही मतलब साफ़ सुथरी फिल्म है, जो कि देख रहे हैं आप लोग अभी आज इसका ओपनिंग है। राधा कृष्ण फिल्म जो है आगे भोजपुरी फिल्म है, आगे बने और आगे अच्छी चले। ये हमारे राहुल मिश्रा जी हैं, हमारे भतीजे भी हैं, आज मेहनत करके इस जगह आए, कामयाबी पे आए, ये खुशी हमारे लिए। जी इसमें एक्चुअली रितेश भैया हैं, रितेश पांडे जी हैं, उनका मतलब अपोजिट हूँ मैं, सेकंड हीरो के लिए नहीं हूँ। तैयारी हम कर रहे हैं, और अप्रैल से मेरा शूट है, एंडिंग लास्ट अप्रैल से एंडिंग मेरा शूट चल रहा है, तैयारी। राधे कृष्ण फिल्म के लिए हम सपोर्ट के लिए आए, भाई के साथ हमारा पूरा सपोर्ट है, इसके लिए हम लोग उनके मुहूर्त के लिए आए। अप्रैल से शूटिंग होगी, यूपी में जौनपुर में होगी शूटिंग,
भोजपुरी फिल्म है, तो जौनपुर से शुरुआत हो गई, एक महीने का टारगेट है जी। स्टार कास्ट इसमें है, निधि झा जी हैं, रितु सिंह जी हैं, रितेश पांडे तो जैसे बताए हैं, और अभी आनंद मोहन जी हैं, संजय पांडे जी हैं, सब स्टार कास्ट ही हैं इस प्रोजेक्ट में, जितने भी हैं स्टार कास्ट ही हैं। क्या मूवी है उसमें मैं रितेश पांडे की सिस्टर हूँ, और क्या कहते हैं, ये बहुत ही अच्छी मूवी है और परिवार पूरा बैठ के देख सकता है। और ये मेरे राम पटेल जी सर हैं जो कि डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे हैं, जितना तारीफ करो उससे भी कई ज़्यादा अच्छे हैं। और ये क्या कहते हैं, मनीष पांडे सर जी हैं जो कि प्रोड्यूसर हैं इस मूवी को, यही बना रहे हैं, और बहुत अच्छी मूवी है, जितना तारीफ करो उतना बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी है, बस इतना ही बोलूँगी जी। पहले तो मैं सबको नमस्कार करता हूँ, तो मैं राम पटेल, हम लोग राधे कृष्णा फिल्म का मुहूर्त अभी हमने किया, जो कि एक अपना प्रयास है कि ऑडियंस को एक साफ सुथरी अच्छी फिल्म दी जाए, तो उसी कड़ी में एक अपना एक सार्थक प्रयास है। और राधे कृष्णा जो कि अपना प्री प्रोडक्शन स्टार्ट है, और यूपी के बड़े खूबसूरत लोकेशन में हमारी फिल्म की शूटिंग होगी। जैसे कि देखा जाए तो राधे कृष्णा बहुत अच्छी ही मूवी है, उसकी स्टोरी जो है बहुत ही बढ़िया ढंग से है, और आप पूरे परिवार के साथ में बैठ के देख सकते हैं, और बहुत खास चीज़ आपको देखने को मिलेगी, कुछ नया चीज़ आपको सुनने को मिलेगा, उसमें देखने को मिलेगा, और आपको समाज के प्रति कुछ जागरूकता के लिए बहुत अच्छी चीज़ें उसमें दिखाया जाएगा। और जिसके डायरेक्टर साहब हैं हमारे राम जी पटेल जी, और जिसके एक्टर हैं राहुल मिश्रा जी और रितेश पांडे जी, साथ में हैं निधि झा और रितु सिंह जी, और साथ में हैं हमारे धर्मेंद्र भाई जी और संजय पांडे जी हैं, जो अपना अपना सही तरीके से किरदार निभा रहे हैं और निभाएंगे, और अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट बना के हमको देंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं गायक विशाल राजा और सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। और मेरे बड़े भैया की फिल्म राधे कृष्णा आ रही है, जो कि बहुत ही साफ सुथरी फिल्म है, आप लोग देखिए ज़रूर, बहुत अच्छी फिल्म है, सिनेमाघर तक जाइए। मैं श्रवण शर्मा, जो कि राहुल मिश्रा राधे जो डेब्यू कर रहे हैं, उनका मैं बहुत सारा राइटिंग किया हूँ, और इस पिक्चर में भी थोड़ा बहुत भूमिका निभाऊंगा, और ये बहुत ही पारिवारिक पिक्चर है। मेरे हिसाब से शायद भोजपुरी में ऐसी पारिवारिक पिक्चर नहीं आई होगी, और कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसमें, और मैं आशा रखता हूँ कि ये भोजपुरी श्रोता लोग को बहुत पसंद आएगा और मार्केट में धमाल मचाएगा। जयपुर, हम शंकर दयाल गुप्ता जितना श्रोता गांव है भगवान स्वरूप हमारे पैर छू के प्रणाम करवानी, और इस फिल्म जो राधा कृष्ण है, हमें इसमें काम करने का चांस मिला जो कि हमारा फर्स्ट है, मैं यही कोशिश करूंगा कि सबसे अच्छा इसमें काम करें कि जो कि अगला चल के हमें भी चांस मिले। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ, और साथ में अपने मीडिया दोस्तों को नमस्कार कर रहा हूँ। मैं राम पटेल, और अभी हमने आज एक बड़ी खूबसूरत फिल्म का मुहूर्त किया, राधे कृष्णा, जो कि एक फैमिली ड्रामा फिल्म है, और मैं आशा करता हूं कि एक अपना बड़ा अच्छा प्रयास है कि हम दर्शकों को कुछ अच्छी चीज़ दें जो लोगों को बड़ा पसंद आए। इस फिल्म की शूटिंग हम लोग उत्तर प्रदेश में करने वाले हैं, और उत्तर प्रदेश के कई लोकेशन हम लोग रैकिंग पर जाने वाले हैं, और काफ़ी अच्छी लोकेशन उत्तर प्रदेश में, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग यूपी बिहार से जुड़े हैं, तो अपने लोकेशन को हम लोग दिखाएं, अपनी चीज़ों को दिखाने की कोशिश करें जी। जी हाँ जी, इस फिल्म में रितेश जी हैं जो कि बहुत ही अहम किरदार प्ले कर रहे हैं, निधि झा जी हैं और रितु सिंह जी हैं, संजय पांडे जी हैं, आनंद मोहन जी हैं, धर्मेंद्र सिंह जी हैं, राहुल मिश्रा जी हैं, तो इस तरह करके काफ़ी लोग हैं जो कि हमारे फिल्म में, और अपनी कोशिश है कि जो भी हमारी कास्टिंग है वो परफेक्ट है हो, और जो अपना कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से आप हाँ, वो मनीष जी जो कि हमारे प्रोड्यूसर हैं, और मनीष जी से मेरी जब बात हुई तो हमने कोशिश किया कि अच्छी हम लोग फिल्म बनाया जाए, और मनीष जी से मैं मिला तो उनको मैंने बताया कि ऐसा से ये कॉन्सेप्ट है, इसके लिए प्लानिंग करते हैं, तो मनीष जी ने पूरा साथ दिया, और इनका साथ और सहयोग से आज जा कर के यहाँ पे ये फ्लोर राधे कृष्ण के बारे में ये कहना चाहते हैं कि भाई अभी हमारा शुरुआत है आज से, और मुहूर्त बहुत अच्छे ढंग से गया, और जो भी है डायरेक्टर राम पटेल जी आप बराबर समझाएंगे उसके बारे में। जी बताना चाहूँगा कि एक जो हमारा भोजपुरी समाज, चाहे हम लोग भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हैं,
सब लोग एक फाइट कर रहे हैं कि एक साफ सुथरी छवि वाली फिल्में बनाएं जो एक फैमिली के साथ में बैठ के देखें। कभी एक दौर हुआ करता था कि भोजपुरी फिल्म का सराहना हुआ करती थी कि ये भोजपुरी फिल्म है, यानी कि फैमिली के साथ में देखने वाली चीज़ें, वो चीज़ें कहीं कहीं बहुत दूर हो गई हैं। तो अपना पूरा कोशिश है कि हम एक अच्छी फिल्म दें और जो दर्शक है अपने फैमिली के साथ में देखें। तो उसी की कड़ी में एक राधे कृष्णा एक अपना अच्छा प्रयास है कि हम एक साफ सुथरी फिल्म बनाएं जो कि समाज को एक नई दिशा एक नया आयाम दे। नहीं नहीं ऐसा तो देखो जो बड़े स्टार हैं और चाहे बड़े मेकर हैं, पहले लोगों ने जो भी बनाया, लेकिन अभी सबकी कोशिश है कि एक साफ सुथरी अच्छी फिल्म बनाई जाए, चाहे निरहुआ जी हो, चाहे खेसारी जी हो, चाहे पवन जी हो, चाहे अदर कोई भी हो। तो कहीं ना कहीं सबको ये दिल में फील हो रहा है कि हम लोग जो अपनी गंदगी है, सब लोग फाइट कर रहे हैं गंदगी के लिए, एक साफ सुथरी भोजपुरी के लिए सब लोग फाइट कर रहे हैं। क्या किया जाना चाहिए साफ सुथरी फिल्म बनाने के लिए? और सिनेमा देखिए एक समाज का आईना है और हम जैसा दर्शकों को दिखाते हैं दर्शक वैसा ही ऑब्जर्व करता है और उसको मनन करता है। तो अपनी कोशिश हो कि जितना भी हम दिखाएं, चाहे एल्बम हो, चाहे गाने हो, चाहे फिल्म हो, स्टोरी हो, तो उसको अपनी जो कल्चर है, संस्कृति है, जो भोजपुरी की अपनी कल्चर संस्कृति है, वो कहीं ना कहीं दिखाना चाहिए। कहीं ना हम उससे दूर भटक रहे हैं, तो वो चीज़ अगर दिखेगी तो लोगों को अपनापन महसूस होगा, तो उससे जुड़ना चाहेंगे लोग, दर्शक लोग। आपने सबसे पहले तो सभी दर्शकों को अमृत सिंह की तरफ से 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और इस शुभकामना पे एक अच्छी शुभ आज कार्य हुआ जिसका एक अच्छा मुहूर्त हुआ राधे कृष्णा का। तो मैं लाख लाख बधाई देता हूँ पूरी टीम को कि जैसे कि फिल्म का नाम है उसी तरह नाम रोशन करें इस फिल्म को लेके। वैसे लव मैरिज से अचानक राधे कृष्णा कुछ बड़ी जल्दी कर लेते हैं? नहीं फिलहाल बिल्कुल। हाँ, जो राम पटेल इसके डायरेक्टर हैं वो मेरे अजीज मित्र हैं, मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ और बहुत खुशी की बात है कि बहुत ही टैलेंटेड और डायनेमिक इंसान है। जो कि मैंने एक फिल्म की थी राधे रंगीला, तो मुझे भी बड़ा मज़ा आया और आई होप कि मैं अगले महीने उनके साथ एक फिल्म और कर रहा हूँ, तो बहुत खुशी की बात है और बहुत ही मज़ा आएगा उनके साथ काम करके। हाँ, राधे रंगीला के बाद राधे कृष्णा राम पटेल जी के लिए बहुत ही कहा जाए कि शुभ कार्यों के प्रतीक उनका चलना और सोचना, और शायद उनके लिए एक लक्की चाम रहा हो सकता है राधे को लेते हुए। तो राधे कृष्णा भी वैसे ही लक्की कहा जाएगा और कंप्लीट फिल्म होगी और सुपर डुपर हिट होगी। उदय जी कुछ कहना चाहते हैं आज आप? जी सबसे पहले तो राधे राधे, और मुझे बड़ी खुशी, जी जी मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि मैं देखते रहता था कि कब भोजपुरी का जो है अच्छा दौर शुरू हो, तो मुझे लगता है कि ये अब दौर जो है वो शुरू हो रहा है अच्छा दौर, क्योंकि जिस फिल्म का टाइटल ही राधे कृष्ण हो तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो टाइटल देख करके ही दिल बहुत खुश हो गया है, और हमारे भोजपुरी के जितने भी दर्शक जो परेशान थे अश्लीलता से कम फिल्म के अच्छे नाम देख करके भी वो सिनेमा हॉल में आएंगे, तो ये हम लोग सब लोगों के लिए बड़े खुशी की बात है। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह बहुत सारी फिल्मों की शुरुआत हो। जब मैंने पहले शुरू में फिल्में की थी, जब राकेश पांडे जी के, सुजीत कुमार साहब के साथ, कुणाल जी के साथ, तो अच्छी अच्छी फिल्में की हमने, अच्छे टाइटल होते थे, परिवार के लोग जाते थे। तो अब फिर वो दौर शुरू हो, यही प्रार्थना ईश्वर से। राम पटेल इसके डायरेक्टर हैं जो हमारे छोटे भाई की तरह हैं, और इनके साथ कई फिल्म करने का अभी मुझे मौका मिला है। मैं अच्छा लगता है कि अब नए नए टैलेंट आ रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त गुणी लोग हैं। तो हमारी तरफ से राम भाई को पटेल है और जो इस निर्माता हैं, इसके जो सारे कलाकार हैं, दिल से बधाई है उनको। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं सारे भोजपुरी समाज को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। और जहाँ तक बात है राधे कृष्णा का, तो ये हमारे बहुत बढ़िया मान हमारे दोस्त हमारे दिग्गज डायरेक्टर राम पटेल जी इसको ये कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं इसको, और हमारे दोस्त इसमें राहुल जी है, राहुल जी को शुभकामना देता हूँ, बधाई हो पटेल जी को भी, और मनीष जी हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं उनके लिए भी। इसकी कहानी बहुत अच्छी है एक्चुअली। मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं हमारे दोस्त लोग हैं तो उठना बैठना होता है लोगों के साथ में, तो कहानी भी बहुत अच्छी है और गाने भी बहुत अच्छे हैं। रितेश जी भी है और निधि झा भी है और रितु जी भी है, तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी फिल्म बनाएंगे राम पटेल जी। देखिए, जब इस फिल्म की शुरुआत हुई थी तो जिस तरीके से आज सिनेमा का दौर बदल रहा, कहानियों को लेके ऑडियंस काफ़ी सचेत हो रही है,
क्योंकि अच्छा कंटेंट आना चाहिए भोजपुरी सिनेमा में, क्योंकि भोजपुरी सिनेमा अब अपने शैसा अवस्था से यूं कहें कि अब जवान हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, मार्केट भी बहुत बड़ी हो रही है, तो अब अच्छी कहानियाँ आनी चाहिए, अच्छा कंटेंट आना चाहिए। जैसे इसकी शुरुआत हुई, अभी हमने एक वेब सीरीज़ की, हीरो वर्दी वाला, इंडिया की पहली भोजपुरी वेब सीरीज़ है, ऑल्ट बालाजी पे आप देख सकते हैं उसको। इस फिल्म की बात करें तो ये कहानी के तौर पे, या यूँ कह कथानक बिल्कुल नया है, बिल्कुल नया। और मैं वो एक जो लगातार बात कर रही थी, साफ़ सुथरी है, और ऐसी सारी फिल्में साफ़ सुथरी होती हैं, सब अच्छा होता है, वे आप एग्जीक्यूशन क्या है आपको सिनेमा को बनाने का, वो बहुत मायने रखता है। तो ये एक ये है कि इस कहानी में आपको नयापन देखने को मिलेगा, एक नई कहानी आपको देखने की आप देख सकते हैं कि एक नई कहानी आपको देखने को मिलेगी। देखिए आज का जो मैंने वही कहा ना कि अभी जो दौर है ये कहीं ना कहीं नेट का दौर आया हुआ है, मतलब इंटरनेट पे जितनी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं आसानी से, आप एक तो बहुत व्यस्ततम लाइफ है लोगों की, आप बहुत व्यस्त हैं अपनी ज़िंदगी में, तो बहुत आसान है कि आप जो है ना आपने अपने फ़ोन पे आप कोई सीरियल देख लिए। आप जैसे जिस तरीके ये हिंदी सिनेमा में भी आया है, और मतलब सीरियल्स में भी एक बदलाव आ रहा है, और ये बहुत आसान हो गया कि नेट पे चीज़ें आपको आसानी से मिल जाती हैं। तो ये हीरो वर्दी वाला एक सचमुच में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म लेके आएगा, एक बहुत बड़ी मतलब एक नई मार्केट भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए खुलने जा रही है, जो बाकी मतलब हिंदी का आप देख ही रहे हैं, जैसे नेटफ्लिक्स और आपका अमेज़ॉन और बहुत बड़े बड़े ऐप लॉन्च किए गए हैं, और बहुत बड़ा काम हो रहा है, वैसे भोजपुरी के लिए एक नई शुरुआत है, और होप कि बहुत अच्छा हो, बड़ी मार्केट बने। जी देखिए अभी तो उन्होंने इसको ही आपकी इसी बात को अभी अल्ट ने भी समझा है, और उन्होंने एक लिंक भेजा है जो अभी सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें आप फ्री में इसके सारे एपिसोड्स देख सकते हैं, और एक अवेयरनेस अभी आएगी, मार्केट अभी खुला है। तो मेरा ये मानना है कि अब जैसे मतलब यूट्यूब ये चीज़ें ये करने में एक टाइम लगा, थोड़ा टाइम लगा, और आज मतलब मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जो यूट्यूब पे रोज़ सर्च करती है, तो वैसे ही इस तरीके की सीरीज़ देखने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये एक पहला पायदान था जो हमने मतलब हम लेके आए ऐसा सीरीज़, तो इसके बाद ये एक मार्केट ओपन होगी, लेकिन रन करना इसके बाद की चीज़ें आएंगी तो बहुत तेज़ी से जाएगा। हीरो वर्दी वाला को मिर्ज़ापुर जैसी वेब सीरीज से कंपेयर करना कितना? देखिए हर सीरियल हो फिल्म हो सबकी कहानी अलग होती है, सबका बैकड्रॉप अलग होता है, हम किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि अगर वहाँ मिर्ज़ापुर है तो फिर हम कहेंगे कि अपहरण है उनका दूसरा, तो उसकी कहानी अलग है, इसकी कहानी अलग है, बैकड्रॉप अलग है, मेकिंग अलग होती है, कहानी के अकॉर्डिंग ही मेकिंग होती है, तो हम तुलना नहीं कर सकते हैं। हमने ये कहा कि बस बहुत अच्छा बनाया है, आप देखेंगे आपको मज़ा आएगा, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हुआ कि टेलीविज़न आ गया, टेलीविज़न की मार्केट बहुत बड़ी हो गई थी एक टाइम पे, तो ये होता कि हिंदी सिनेमा बंद हो जाएगा, ऐसा लग रहा था, नहीं हुआ। सिनेमा का दर्शक अलग है, या सिनेमा देखना आज भी हिंदुस्तानी ऑडियंस के लिए एक फेस्टिवल है। हम एक प्लानिंग करते हैं कि यार इस हफ्ते फिल्म देखनी है, फिल्म देखनी मतलब बाहर घूमने जैसा है, तो हम परिवार लेके जाते हैं और सिनेमा देखते हैं, तो वो कभी नहीं ख़त्म होने वाला है, कितने मतलब नेट पे चाहे जितना कंटेंट आ जाए या जो भी चीज़ें आ जाए, सिनेमा का व्यवसाय कभी ना खत्म होने वाला है ना प्रभावित होने वाला है। नमस्कार, मेरी ओर से आप सभी को रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले तो राधे कृष्ण फिल्म का जो टाइटल है बहुत ही अच्छा है, और मेरी ओर से राधे कृष्ण फिल्म की पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं कि फिल्म सुपर हिट हो, गाने सुपर डुपर हिट हो। सबसे पहले तो बहुत सारा बदलाव आया है, गीत का हो चाहे फिल्म के स्टोरी का हो और चाहे टाइटल हो, तो बहुत ही बदलाव है, और बदलाव होना भी बहुत ज़रूरी था। नहीं, ये मेरा सौभाग्य है, ये पूरी टीम है इसमें, और टीम वर्क है, ये किसी अकेले को हम नहीं कह सकते कि मैं ही गाती हूँ तो फिल्म हिट होती है, ऐसे कुछ भी नहीं है, ये पूरी टीम है और पूरी टीम का ये श्रेय जाता है।